हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाहे एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जी हम इंग्लिश में क्या होता है कि कई बार हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ आती है। मैं आपको एक रियलिस्टिक बताऊंगा जो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने किस तरीके से इंग्लिश को सीखा है, मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। अब कोई फेक चीज़ नहीं बताऊंगा, जो मेरे हिसाब से जो मुझे मैंने किया हुआ है वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों का परसेप्शन क्या होता है कि भाई समर आने वाला है और समर में हम 2 या 3 महीने इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और अपने इंग्लिश को सही कर लेते हैं। एक बात बताइए, अगर ऐसा रियल में होता कि आप समर में कोचिंग ज्वाइन करें 1 या 2 महीने के लिए, कभी भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं 1 या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो बताइए पूरा इंडिया इंग्लिश नहीं बोलने लगता। जी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका पैशन, कि आपको सीखना ही सीखना है, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि भैया आपको सीखना ही सीखना है, और फिर उसको आप फिर उसको लेके आप आगे बढ़े। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जो वर्किंग लोग रहते हैं जो काम जॉब पर भी जाते हैं और उनको इंग्लिश भी सीखना होता है, तो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले आपको अपने अंदर एक पैशन आपको रखना पड़ेगा कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखनी ही है, और फिर आप आगे बढ़ें। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप सीख नहीं सकते 1 या 2 महीने, बिल्कुल आप सीख सकते हैं अगर आपके अंदर जुनून है तो। अब मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैंने इंग्लिश को सीखा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन की, स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन की, जैसे वही जो मैंने समर का आपको बोला, समर मैंने कोचिंग ज्वाइन की। लेकिन मैंने समर में ज्वाइन नहीं की, मैंने कम से कम 11 महीने तक इंग्लिश की कोचिंग की। अब आप कहेंगे कि पागल हैं क्या, आपने 11 महीने के तक इंग्लिश की कोचिंग को ज्वाइन करा। एक्चुअल में क्या था कि हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे इंग्लिश का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं था, और मैं किसी से हम लोग जैसे मैं और मेरा भाई ने हम दोनों ने ज्वाइन की साथ में, तो एक्चुअल में क्या था कि हमें एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता था और ये साथ में कन्वर्सेशन करना और बहुत सारी चीज़ें थी जो वो मिस हो जाती थी। तो इसलिए हमने इसको कोचिंग को इसलिए कंटिन्यू रखा ताकि हम उसको मिस ना करें और कन्वर्सेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि जिस जो हमने अप्लाई किया और जिस चीज़ों में और हमने जिसकी प्रैक्टिस करी, जिस हिसाब से हमने सीखा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा कि इंग्लिश सीखने के लिए ना कोई उम्र की ज़रूरत होती है और ना ही किसी कोचिंग की ज़रूरत होती है, अगर आपके अंदर जुनून है तो। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको 4 या 5 टिप्स आपको फॉलो करना है, जो मैंने फॉलो किए बेसिकली, जो जिस हिसाब से मैंने फॉलो करे। देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, क्या एक बात बताएं आप, जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपको हिंदी जो आप बोलते हैं, क्या आपने हिंदी की ग्रामर सीखी थी पहले, क्या आपने क्या किया था, आपने आप क्या करते थे, आप अपने जो मम्मी पापा आपको बोलते थे बेटा बोलो, आप पापा बोलो मम्मी बोलो, तो आप उल्टा सीधा बोलते थे, पापा को पापा, पानी को मम्मा, हर कुछ आप कह रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे आप बच्चे थे, आप इतना सोचते नहीं थे कौन क्या सोचेगा, मैं कुछ भी बोलूं आपको इस तरह। लेकिन अभी आप क्या सोचते हैं, अगर मैं इंग्लिश कहीं गलत मैंने कहीं गलत प्रोनाउंस किया वर्ड को तो मेरे कहीं लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, ऐसा नहीं है, ये ऐसा आप ना सोचें। देखो अगर जो कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दीजिए, जो भी कर रहा है उसको करने दीजिए, आपको लेना देना है कि भैया आपने बोलना है ही बोलना है। अब आपको करना क्या, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर आए, देखो इंग्लिश बोलने के लिए आपको वोकैबुलरीज मेन होती है, वोकैबुलरी, अगर आपको पता हो कि इस चीज़ को किसको क्या बोलते हैं, जैसे कुर्सी को चेयर बोलते हैं, अगर आपको पता नहीं है कुर्सी को चेयर बोलते तो आप इंग्लिश के कितने भी ग्रामर के रूल पढ़ लीजिए, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। तो मेन फंडा है आपका वोकैबुलरीज का। अब वोकैबुलरीज भी आप क्या दुनिया भर रटे पढ़ोगे, क्या डिक्शनरी उठा के पूरी रट लोगे, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लें, उसमें से आप क्या करें, आप उसको जब पढ़ें उसके आर्टिकल्स को, तो उसमें आपको जो जिनके 4 या 5 वर्ड या 10 या 15 वर्ड जितने भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप उतने वर्ड्स को उठा लीजिए और डिक्शनरी में उनका मीनिंग सर्च करिए, और मीनिंग सर्च करने के बाद उनको बार बार आप किसी ना किसी सेंटेंस में आप उनको अप्लाई करो। जैसे क्या होता है कि कई बार जैसे आप जरूर नहीं कि पूरे सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलो, आप उस वर्ड को इंग्लिश में बोलो और बाकी सब चीज़ों को हिंदी में आप बोलो, तो इससे धीरे धीरे आप क्या होगा, आप हैबिचुअल हो। पहले आपको बनना पड़ेगा हैबिचुअल, हैबिचुअल मीन्स कि आपको पहले इंग्लिश को अपने डेली रूटीन में लाना पड़ेगा। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे थे, आप मोस्टली हिंदी के वर्ड आप यूज़ करते थे, आप हिंदी के जगह इंस्टेंट ऑफ हिंदी आप इंग्लिश यूज़ करेंगे। जैसे आप कुर्सी ना बोल के आप चेयर बोलेंगे, आप खाना ना बोल के आप फूड बोलेंगे, आप दुकान ना बोल के आप शॉप बोलेंगे, इस तरीके से क्या होगा आपका एक फ्लो बनेगा, इससे धीरे धीरे फ्लो बनेगा आपका।
आप देखो दो, आप 2 महीने 3 महीने में इंग्लिश को नहीं सीख सकते प्रॉपर। हाँ आप समझना सीख सकते हैं लेकिन उसको प्रॉपर नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैबिचुअल होना है। तो आप इस तरीके से हैबिचुअल हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हैबिट बनानी है रीडिंग की। जैसे कि मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर आप पढ़ें, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता मैगजीन पढ़ें, छोटी छोटी मैगजीन जो स्टोरी बुक्स होती हैं वो पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, और जो अपने खुद के सब्जेक्टिव बुक्स होती हैं आप उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप चाहें तो न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर में मॉडर्न वोकैबुलरीज होती है, मॉडर्न चीज़ें होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि आप आसानी से जो नए नए जो वर्ड्स बने उनको आप समझ सकते हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब्स, वोकैबुलरीज, स्लैंग्स, ईडियम्स वगैरह वगैरह जितनी भी यूज होती हैं आजकल मॉडर्न इंग्लिश में उसको आप सीखेंगे। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को उठाएंगे तो उसमें तो बाबा आदम के ज़माने की आपको इंग्लिश मिलेगी जो कि आप समझ ही नहीं। जैसे कि हिंदी क्लिष्ट हिंदी होती, बहुत पुरानी हिंदी जो आप समझ ही नहीं पाते, वैसे ही इंग्लिश का भी है। तो आज के ज़माने में क्या इंग्लिश चल रही है आपको उस पर फोकस करना है, तो उसके लिए आपको यही करना है। आप कुछ नॉवल्स पढ़ें, नए नए नॉवल्स पढ़ें, नए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। सेकेंड थिंग देखो, सेकेंड थिंग सबसे मेन चीज़ है कि आप इंग्लिश की मूवीज़ देखें, इंग्लिश में आप न्यूज़ सुने, इंग्लिश में आप पोस्ट कार्ड सुने, इंग्लिश में आप सॉन्ग सुने। आपको शुरू में कुछ भी नहीं पता चलने वाला है, ना ही आपको इंग्लिश में मूवी समझ में आने वाली है, ना ही आपको न्यूज़ समझ में आने वाली है, ना ही आपको पोस्ट कार्ड समझ में आने, ना ही आपको सॉन्ग समझ में आने वाले। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उनको मूवीज़ को देख के आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके आप ये देखेंगे वो किस तरीके से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। पहले देखो क्या होता है कि आप हिंदी को डिट्टो सेम टू सेम आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहले आपको बोलने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे एक मराठी है, एक हिंदी बोलने वाला है, गुजराती है, एक राजस्थानी बंदे, तो उनकी अलग अलग लैंग्वेज में बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से आपको भी पहले तरीका सीखना पड़ेगा। तरीका सीखने के लिए आपको पहले ऑब्जर्वेशन बहुत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आप इंग्लिश मूवीज़ देख देख कर आप सीख सकते हैं। आप विदाउट सबटाइटल देखें, आप कुछ ना देखें, बस आप मूवी लगा लें कानों में, हेडफोन लगाएं और बस ऐसे आँखें बिल्कुल मिला के बिल्कुल टकटकी लगा के आपको ये चीज़ देखनी है कि इंग्लिश में आपकी आप वो बंदा बोल कैसे रहा है, बंदा या बंदी कैसे क्या बोल रहा है, उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो किस तरीके से कौन से प्लेस पे किस तरह के क्या वर्ड यूज़ कर रहा है। तो इससे धीरे धीरे आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने आपको उनके जो वर्ड्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। इससे आपकी लिसनिंग पावर क्या होगी, इम्प्रूव होगी। और सबसे बेस्ट ये कि जो गुड लिसनर होता है वही आपका अच्छा स्पीकर होता है। तो सबसे पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा, तब जाके आप बोल पाएंगे। अब ये प्रोसेस में भी आप पे डिपेंड करती है कि भैया आप किस हिसाब से उसको टाइम दे रहे हैं, और टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं इंग्लिश की कोचिंग पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले बच्चा आके मुझसे ये पूछता है, सर मैं कितने दिन में सीख जाऊँगा, और मैं हमेशा उनको एक ही जवाब देता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। आप 1 महीने में सीख सकते हैं, आपको 1 साल लग सकता है, और आपको 10 साल लग सकते हैं, और आप सीख ही नहीं पाएंगे। बिकॉज वो मैं जितना भी एफर्ट डाल दूँ उस चीज़ में, जब तक कि बच्चा उसको टाइम नहीं देगा, उसको नहीं सीखेगा, उसमें नहीं टाइम देगा, तो वो नहीं सीख पाएगा। और ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अपने पूरे बच्चों को समझाता हूँ, लेकिन कोई जो ध्यान देता है वो बिल्कुल बहुत अच्छा स्पीकर बन जाता है, और जो ध्यान नहीं देता वो बिल्कुल नहीं बन पाता है। तो मैं अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको दोनों ही बता रहा हूँ। अभी होता क्या है कि इंग्लिश मूवीज़ देखने के लिए आप क्या करें, देखो अभी जियो का ज़माना, वैसे ही सबके पास नेट पैक होता ही है। आप मूवीज़ को जरूर नहीं आप डाउनलोड करें, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे जो इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत सारी स्पीच होती हैं, जैसे जो सेलिब्रिटीज स्पीच देते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, यूसुफ जई, मलाला, ओबामा, जितने भी लोग हैं जो फेमस फेमस सेलिब्रिटीज़ होती हैं अमेरिकन, ये लोग स्पीच देते हैं जो भी जिस भी फंक्शन में, जैसे कोई नोबेल प्राइज़ ले रहा है तो उसमें वो स्पीच दे रहा है। तो उन स्पीचेस को सुने आप, उनको ध्यान से सुने आप, उनको ध्यान से सुने और उनको ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। ऑब्जर्व करेंगे जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अब देखो मैंने आपको जैसे बताया कि 2 चीज़ें आपको करनी है, मैगजीन वगैरह पढ़ना है, मैगजीन या फिर बुक्स पढ़नी है, या फिर आपको नॉवेल्स पढ़ने या न्यूज़पेपर पढ़ना है। सेकंड मैंने आपको बोला है कि आप मूवीज़ देखें जितने से ज़्यादा हो सके, मूवीज़ पोस्ट कार्ड सुने आप ये। अब ये सब काम आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जैसे मूवी नहीं देख रहा, पोस्ट कार्ड सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, तो आप हेडफोन लगा के आप कहीं भी आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आप उनको सुन सकते हैं। तीसरी और सबसे IMP और सबसे ज़रूरी बात यह है, सबसे ज़रूरी बात ये कि आपको टाइम देना है उस चीज़ को। एटलीस्ट आपको 1 आवर आपको इंग्लिश को देना ही देना है। आप पूरे 24 घंटे में से आपको 1 आवर आपको इंग्लिश को देना ही देना है। और आपको सबसे ज़्यादा करनी है उसमें 1 आवर में आपको करना है प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस कैसे करनी वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको जब भी आप सबसे पहले जब भी कोई आपके साथ नहीं बात करने वाला, आप खुद ही हो, आप सब अपने साथ कर सकते हो, आपको क्या करना है मिरर में खड़े हो, आपके मिरर के सामने खड़े हो जाएं, और आपने जो भी आपने दिन भर में ऑब्जर्व किया है, जो इंग्लिश में जो आपने जितने भी पोस्ट कार्ड सुने हैं या फिर आपने वीडियोस देखे हैं, इंग्लिश की मूवीज़ देखी हैं, उनको आप रिपीटेशन में लाएं, बार बार बोलें उनको, रिपीट करें, बार बार बोलें,
और जब जहाँ पर भी जाते हैं आप कहीं भी आप, तो आप हैबिचुअल रहें, आप हमेशा इंग्लिश के वर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, आप ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलें। आप हिंदी बोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलें, मैं ये नहीं करूँगा बिल्कुल फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलें, आप टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलें। जैसे एक सपोज करो एक फॉरेनर है, आपको एक फॉरेनर कोई मिला और वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको इंग्लिश नहीं आती लेकिन आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, या यू गो देयर एंड कम एंड टेक राइट टेक लेफ्ट, अगर वो रास्ता पूछता है तो आप बिल्कुल टूटी फूटी इंग्लिश में उसको क्या करेंगे, आप उसको डायरेक्शन बताएंगे और आप बिल्कुल बोलेंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी टूटी फूटी इंग्लिश यूज़ करना है और देन उसको इम्प्रूव करना है। जो लोग हंसी मजाक आपका मजाक उड़ाते हैं उड़ाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसको जो करना है करने दीजिए, आपको तो बस ये कि भैया मुझे तो इंग्लिश सीखनी है, मतलब सीखनी है। आप अपने वर्क प्लेस पर इंग्लिश बोलिए, आप घर में इंग्लिश बोलिए, आप दुकान पर इंग्लिश बोलिए, आप हर जगह इंग्लिश बोलिए। आप हिंदी को धीरे धीरे क्या करते कम करते जाइए और इंग्लिश को आप इंग्लिश के वर्ड को आप बढ़ाते जाइए, आप धीरे धीरे वोकैबुलरीज को इंक्रीज करते जाइए और हिंदी की वोकैबुलरीज को कम करते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपको हैबिचुअल आप बन जाएंगे और इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि आप हैबिचुअल जब बन जाएंगे तो आप चाह कर भी हिंदी नहीं बोल पाएंगे, आपके मुंह से सिर्फ इंग्लिश के ही वर्ड्स निकलेंगे। आप भले से उस पहले जैसे सामने वाले भले से उसको इंग्लिश नहीं आती, आप उसको इंग्लिश में बोल दें, वो बोलेगा क्या, तो आप फिर से उसको हिंदी में रिपीट कर दें, लेकिन आप उसको इंग्लिश में ज़रूर बोलें। और एक और मेथड ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में सीखें और लोगों को वो वर्ड बोलें तो वो कहेंगे ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करें अच्छे से कि देखो इसका मतलब ये होता है और ये इस तरीके से यूज़ होता है। जैसे फ्रेजेस स्लैंग ईडियम्स जो होते हैं मोस्ट लोगों को नहीं पता होते, तो आप जो नए नए जितने भी चीज़ें सीखते हैं आप उनके बारे में बताएं, तो इससे क्या ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। इसी के साथ आप आगे क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में इसका टाइम बिताएं, जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करें। वोकैबुलरीज को इंक्रीज़ करने के लिए आप बहुत अच्छी जैसे जो भी बुक एप्स आपको लगती हैं जो अच्छी लगे आप उसको कैच कर लीजिए, तुरंत लिख लीजिए कहीं भी और उसको बार बार रिपीट करें, बोलें, रिवाइज करें चीज़ों को। और जब आप ये जब सब चीज़ें सीख जाएं थोड़ा बहुत, फिर आप ग्रामर पे फोकस करें, लास्ट में आपको ग्रामर पे फोकस करना है। जब आप लास्ट में ग्रामर पे फोकस करेंगे तो इससे आपको बहुत आसानी रहेगी और आप बहुत सही से सही तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो गाइज़ ये सब थे टेक्निक्स जिसमें आप इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंसी में बोल सकते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने सब फालतू की चीज़ें हैं, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। तो गाइज होप यू गाइज आपको ये चीज़ पसंद आई होगी एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे मैंने खुद में वीडियोज़ डाली हूँ इंग्लिश के ऊपर से, तो आप उनको देख सकते हैं और उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।